अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, महफूज होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे अपने घरों में। आई नो कि आप थोड़े से बोर हो रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी, दिस इज जस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो डोंट लूज होप एंड हैव फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी। ओके, सो कमिंग टू वर्ड्स अवर लेक्चर, आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, जीडीपी डिफ्लेटर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकाला, फिर रियल जीडीपी, देन हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए जीडीपी डिफ्लेटर निकाला। आज हम देखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ करते हुए हम किस तरह से जो है इन्फ्लेशन निकालते हैं, इन्फ्लेशन यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। हाउ वी कैलकुलेट इन्फ्लेशन यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है इज अ सॉर्ट ऑफ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस की जो इन्फ्लेशन होती है उसकी एक मेजर जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन प्राइसेस। ठीक है, अब हम लोग जो इस चीज़ को देखेंगे कि इन्फ्लेशन को किस तरह से मेजर किया जाता है, जो कि प्राइसेस को अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन हमें पता है कि इन्फ्लेशन क्या होती है, इट इज़ जर्नल राइज इन द प्राइस लेवल, और राइज और इंक्रीज इन द जर्नल लेवल ऑफ द प्राइसेस या लेवल ऑफ द प्राइसेस। सिंपली यू कैन से कि इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जी डी पी डिफ्लेटर जो है इज द मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। इट इज calculated by dividing nominal GDP by real GDP and multiplying by 100. हमें पता है कि GDP deflator जो है वो किस तरह से calculate होता है। Nominal GDP को divide किया जाता है real GDP के साथ और then multiply किया जाता है 100 के साथ। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है GDP deflator। आज हम देखेंगे कि GDP deflator को use करते हुए हम inflation किस तरह से निकालते हैं। ठीक है जी, तो class formula देखिएगा, inflation is equal to GDP deflator current year। न्यूमिनेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, जीडीपी डिफ्लेटर करंट ईयर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर बेस ईयर। ठीक है, स्लाइड्स पे देखिएगा जहां पे कर्सर में मूव कर रही हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर बेस ईयर, ये हमारा क्या है, ये डिनोमिनेटर है जो नीचे डिवाइड करना है हमने। नीचे डिवाइड हमने करना है जीडीपी डिफ्लेटर बेस ईयर का जो होगा उसके साथ हमने डिवाइड करना है। ऊपर देखिएगा जीडीपी डिफ्लेटर करंट ईयर माइनस जो करंट ईयर का हमारा होगा जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर एग्जांपल करंट ईयर हमारा 2018 है और हमारा बेस ईयर 2014 है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर 2017 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर 2014। ठीक है, इसी तरह हमारा नीचे क्या आएगा, जीडीपी डिफ्लेटर बेस ईयर, बेस ईयर हमने कहा कि हमारा 2014 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर 2014 इनटू, ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, स्टेरिक्स जो है मल्टीप्लाई इनटू 100। तो इससे हमारे पास क्या निकल आएगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का फार्मूला आपको अंडरस्टैंड हो गया बच्चों? ठीक है, अब हम कुछ फिगर्स देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किए थे। जी तो क्या थे वो, उसमें हमने ईयर ले लिए, साल जो थे वो हमने ले लिए 2016, 2017 एंड 2018, और 2016 को हमने एज अ यूज किया था। व्हाट, 2016 हमारा क्या था, बेस ईयर, और बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा क्या होता है, 100। अब 2017 को हमने क्या किया, नॉमिनल जीडीपी 2017 की डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 2017 की मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास फिगर आया 142। इसी तरह 2018 में देखिएगा, नॉमिनल जीडीपी था 1550 और हमारे पास 850 रियल जीडीपी था। नॉमिनल को रियल के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, हमारे पास आ गया 182 जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द ईयर 2018। और जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द बेस ईयर यानी कि 2016 इज इक्वल टू 100। बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 होता है, और जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2017 इज इक्वल टू 142। अब इससे हमें क्या चीज पता चल रही है वो हम देखते हैं। अब ये हमारे पास टेबल आ गया जिसमें हमारे पास डिफरेंट जीडीपीज हैं। अब हम ज्यूम ये कर लेते हैं, 2016 हमारा बेस ईयर है, ऑब्वियसली बेस ईयर का जीडीपी 100 है, तो ये हमें डिनोट कर रहा है कि हमारा बेस ईयर 2016 है। ठीक है, और साथ में हम लोग ले लेते हैं जी तो क्लास, अब हम इन्फ्लेशन देखते हैं कि 2017 में और 2018 में कितनी इन्फ्लेशन हुई, किसको यूज करते हुए, 2016 को एज अ बेस ईयर यूज करते हुए हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी हुई। जी तो जी, इन्फ्लेशन 2017 की पहले हम निकाल लेते हैं, 2017 में इन्फ्लेशन कितनी है।
जी देखिएगा, हमने क्या करना है कि हमने बात की कि जीडीपी डीफ्लेटर 2017 का, यानी कि अब 17 की हमने इन्फ्लेशन निकालनी है, तो करंट ईयर 2017 होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीडीपी डीफ्लेटर 2017 माइनस जीडीपी डीफ्लेटर 2016, यानी कि बेस ईयर 2016 हमारा क्या था, बेस ईयर। अब जीडीपी डीफ्लेटर 2016 के साथ ही हमने क्या किया, इसको डिवाइड भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2016, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन 2017 की। अब इसमें फिगर्स पुट कर लेते हैं, इन्फ्लेशन 2017 इज इक्वल टू 142, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2017 माइनस 100 जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2016 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 100। 100 क्या है, बेस ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो हमारे पास क्या आ गया, 42%। अब ये 42% हमारे पास क्या आई है, यानी कि 42% इन्फ्लेशन हुई इस साल में 2017 में 2016 की निस्बत, ठीक है, अंडरस्टैंड क्लास। अब बिल्कुल इसी तरह 2017 की हमने जैसे इन्फ्लेशन निकाली, इसी तरह 2018 की इन्फ्लेशन भी निकाल लेंगे। 2018 इन्फ्लेशन इज इक्वल टू 182, व्हाट, 182 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 182 करंट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ बेस ईयर इनटू 100 इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास क्या आया, 182%। ठीक है, अब 182% का मतलब ये है कि बेस ईयर की निस्बत, यानी कि 2016 की निस्बत 2018 में इतनी महंगाई हुई 82%। ठीक है, इस तरह हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हुए। इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स। ठीक है, यहां तक क्लास हमारी बात थी कि हमने जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी का जो चैप्टर पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसको यूज करते हुए हमने इन्फ्लेशन कैसे निकाली। अब जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, और चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है मेयरिंग The cost of living and its chapter 11, ठीक है, chapter 11 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है measuring the cost of living। Cost of living का मतलब क्या है, या measuring cost of living का क्या मतलब है, इसमें हम क्या चीजें देखते हैं, introduction दे देती हूँ। इसमें जी, इस chapter में हम cost of living यानी कि जिंदा रहने की कीमत मालूम करेंगे, मेयर करेंगे। बच्चों, जो रोजमर्रा की चीजें हम लोग यूज करते हैं, या जो खरीदो फरोख्त हम लोग करते हैं, या जो हम लोग खर्चे करते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि हम लोग जो हैं सरवाइव कर सकें, लिव कर सकें, जी सकें इस दुनिया में। जरूर खुर्दोनोश ये क्या होती है, ज़रूरत अशियाए खुद व नोश ये क्या होती हैं, वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रहने के लिए दरकार होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमें रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग विच वी हैव टू पे। ज़िंदा रहने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये वो कीमत है, ये वो कॉस्ट है जो हमें अपनी लिविंग के लिए, लिव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए, उनके ऊपर जो स्पेंडिंग करनी पड़ती है, ये वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मेयरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसमें हम वो मेयर करेंगे। ठीक है, अब पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जीडीपी क्या है, यानी कि एक कंट्री की इनकम जो है उसको हम किस तरह से मेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग सारे एक्सपेंडिचर्स निकाल लेते थे, टोटल एक्सपेंडिचर। अब जीडीपी जो था उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन अ कंट्री। ठीक है, अब हम जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे ये भी बेसिकली, इसमें सीपीआई भी कहते हैं, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं या कहाँ ये यूज होता है, ये भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, ये भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर करेंगे, या कौन कौन से टॉपिक्स को हम टच करेंगे। व्हाट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड एंड व्हाट इट यूज फॉर, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। अभी जैसे हमने बात की, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है वो भी इसका एक सिक्स स्टेप प्रोसेस है, वो हम स्टेप्स देख लेंगे। ठीक है, और उसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड भी
कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। देन हमारे पास आता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द सीपीआई, हाउ सीरियस आर दे। अब हमें सीपीआई को कैलकुलेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसकी वजह से ये कुछ चीजें ओवरस्टेट कर देता है, ठीक है, यानी कि बढ़ा देता है, वो इतनी होती नहीं है असल में दर हकीकत, लेकिन ये उनको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं ना, बयान करता है, ये उस तरह से कुछ करता है। वो कौन सी चीजें होती हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाउ डज द सीपीआई डिफर फ्रॉम द जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर से सीपीआई किस तरह से मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी यूज सीपीआई टू कंपेयर डॉलर अमाउंट्स फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, एंड व्हाट वुड वी वांट टू डू दिस एनीवे, और इसके साथ हम क्या करेंगे और क्यों ये इस्तेमाल होती है और क्यों हम लोग जो है सीपीआई को यूज करके हम लोग डॉलर अमाउंट्स निकालते हैं मुख्तलिफ सालों की, ठीक है। डॉलर अमाउंट्स निकालना मुख्तलिफ सालों की क्या होता है, इसको हम आगे चल के देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर पे हाउ कैन वी करेक्ट इंटरेस्ट रेट्स फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो हमने इसमें देखनी है जी। तो बच्चों स्क्रीन पे अब देखिएगा हमें क्या नजर आ रहा है, हमें एक बास्केट नजर आ रही है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हैं। इसमें फ्रूट्स भी हो सकते हैं, इसमें बाकी तमाम चीजें भी हो सकती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं। मिल्क हो गया, वीट हो गई, राइस हो गए, अपैरल हो गए, ठीक है, अपैरल हो गए, एजुकेशन हमारी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर इंक्लूड होंगी। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको मेजर करता है एक बास्केट को, कौन सी बास्केट को, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ टिपिकल कंज्यूमर बॉट, एक टिपिकल कंज्यूमर जो है, एक आम कंज्यूमर जो है वो खरीदता है जो बास्केट, उसकी कीमत फाइंड आउट करता है सीपीआई, ठीक है। सीपीआई का क्या काम है, इस बास्केट की कीमत मालूम करना। और ये बास्केट क्या है, ये मैं भी कैरी करती हूँ, ये आप भी कैरी करते हैं, हम सब ये कैरी करते हैं। और ये बास्केट क्या है, इस बास्केट में हम सबकी जरूरत की अशिया हैं जो हम हर महीने चीजें खरीदते हैं, इसमें वो सब आएंगी, गुड्स भी और सर्विसेज भी, ठीक है। ये बास्केट उस चीज को डिनोट करिए, और इस बास्केट की जो कीमत होगी, कॉस्ट ऑफ दिस बास्केट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीपीआई, या जो कॉस्ट ऑफ बास्केट होती है वो यूज होती है सीपीआई को मेजर करने के लिए, ठीक है बच्चों जी। तो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इज द मेजर ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज क्यों कहा गया है, वो वाली गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात गौरतलब है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि फर्म्स इस्तेमाल करती हैं, कंपनियां खरीदती हैं ताकि वो चीजें यूज करते हुए, जैसे थ्रेड है, निशात टेक्सटाइल मिल या बाकी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो थ्रेड यूज करती हैं कपड़ा जो है, क्लोज जो है या ड्रेसेस जो हैं उनको बनाने के लिए, वीविंग के लिए, ठीक है, वो थ्रेड यूज करती हैं। अब थ्रेड की जो परचेज है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं होती, वो कौन से गुड्स हैं, वो फर्म्स गुड्स यूज करती हैं, वो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं वो गुड्स जो आगे फ्यूचर में बेनिफिट के लिए यूज होते हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो हमने फाइनल गुड्स परचेज की और हमने इस्तेमाल कर लिए एक आम टिपिकल कंज्यूमर ने, ठीक है। तो सीपीआई सिर्फ उन गुड्स को मेजर करता है, मेजर ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर, जो कि एक टिपिकल कंज्यूमर खरीदता है। इतनी बात की हमने, ठीक है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन एवरी डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, इन एवरी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री सीपीआई इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन। इट इज यूज्ड टू चेक इन्फ्लेशन इन ऑल डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, यही बात की हमने। आगे क्या है, कंप्यूटेड एंड रिपोर्टेड एवरी मंथ बाय पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पीबीएस जो है, पीबीएस इसको जो है वो रिपोर्ट भी करता है और कंप्यूट भी करता है। इसी तरह अगर यूएसए की बात करें तो वहां पे क्या है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिकल लेबर, ठीक है, वहां पे क्या करती है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिकल लेबर बीएसएल जो है वो इनको कैलकुलेट करती है, या दूसरे अल्फाज में ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बीएलएस। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को किस चीज पे फोकस करना है कि हमारे कंट्री में जो सीपीआई है वो कैलकुलेट करता है पीबीएस, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
जी, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट करना है सीपीआर। सीपीआर किस तरह से कैलकुलेट होता है? जी, तो सीपीआर किस तरह से कैलकुलेट होता है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, फाइव स्टेप्स हैं, जो कि हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है फिक्स द बास्केट। सबसे पहले हमने बास्केट जो है वो फिक्स कर लेनी है। अब फिक्स द बास्केट का क्या मतलब है, यानी कि हमने एक बास्केट फिक्स कर लेनी है जिसके अंदर कुछ चंद प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज होंगे। ये वो गुड्स और सर्विसेज होंगे जो कि हर एक टिपिकल कंज्यूमर बाय करता है। अब इसका कौन पता चलाता है, ये एक सर्वे किया जाता है, और सर्वे कौन करता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स, PBS, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करते हैं, एक सर्वे कंडक्ट करते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि टिपिकल कंज्यूमर जो है इस बास्केट में क्या क्या चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम परचेज करता है। जी, तो स्लाइड्स, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर्वेस कंज्यूमर्स टू डिटरमिन व्हाट्स इन द टिपिकल कंज्यूमर्स शॉपिंग बास्केट, यही हमने बात की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं कि फाइंड द प्राइसेस। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि जो बास्केट हमने सेट की है, जो एक टिपिकल कंज्यूमर जो है वो बाय करता है, ठीक है, अब जो उसमें चीजें हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक बास्केट फिक्स कर ली, जिसके अंदर फिक्स कर लिए कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग मोस्टली बाय करते हैं टिपिकल कंज्यूमर। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने क्या काम करना है, फिक्स फाइंड द प्राइसेस। अब जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज फिक्स किए हैं, एक बास्केट फिक्स की है, उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस क्या है, अब ये काम भी कौन करेगा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्लाइड्स में देखिएगा, द पीबीएस कलेक्ट्स डेटा ऑन द प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स इन द बास्केट। अब पीबीएस क्या करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है प्राइसेस का, जो कि हमारे पास गुड्स हैं बास्केट के अंदर, उसके ऊपर तमाम डेटा जो है हमें पीबीएस प्रोवाइड करता है।